नमस्कार। आज हम आपके सामने इडली सांभर और चटनी बनाएंगे। तो चलिए सांभर बनाते हैं। उसके लिए हम एक घिया चाहिए, एक नींबू, दो हरी मिर्च, एक टमाटर और एक कटोरी, छोटी कटोरी से मैं अरहर दाल, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच जीरा, एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो चम्मच हमें सांभर मसाला चाहिए, दो चम्मच घी। घी और में बहुत ही टेस्टी बनता है सांभर। और दो चम्मच हमें रिफाइंड, तो दो रिफाइंड और घी दोनों को हम कुकर में डाल के गर्म करेंगे। गर्म हो गया, हम जीरा डालेंगे। तो देखिए जीरा पक गया है, तो अब हम हरी मिर्च डालेंगे। फिर हम हरी मिर्च पर डालने के बाद हम टमाटर डाल दिए। अब इसके साथ सारे मसालों को ऐड करना है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सांभर मसाला, चाट मसाला। अब इसको एक मिनट तक हमें इसे भूनना है। इसके बाद हम दाल को धो लिए थे पानी से, इस दाल को डाल दिए हैं, अरहर का दाल। अब इसके साथ इसके दो मिनट भूनेंगे और साथ में इसके साथ हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए। अब स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और नींबू का रस हम निकाल कर इसको रख दिए हैं और हम घिया को डालेंगे इसमें। फिर एक दो मिनट इसे हमें इसके साथ पकाना है। अब हम पानी ऐड करेंगे। मैं एक मग का पानी ली हूँ। ढक्कन लगाकर हमें चार सीटी लगाना है। तो देखिए हमारा चौथा सीटी लगने वाला है। चार सीटी के बाद अगर आपका नहीं पका हो तो एक दो सीटी आप और लगा देना। अभी हम देखिए गैस उतार लिए हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसको दूसरे बर्तन में हम निकाल रहे हैं। अब हम चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमें दाल चाहिए, चना का दाल, जिसे हम एक दो घंटा पानी में भूनने के लिए डाल दिए थे, आधी कटोरी, पाँच हरी मिर्च और एक नींबू हमें लेना है, दो चम्मच नारियल का बुरादा चाहिए, एक चम्मच जीरा और तड़का लगाने के लिए सरसों का दाना एक चम्मच और चार पांच करी पत्ता, दो चम्मच हम तेल डाल दिए हैं, इसे जीरा डालेंगे। जीरा हमारा पक रहा है, पक गया। अब इसमें हम दाल को जो पानी में फुलाए थे दाल को उसको डालकर हमें पूरा नहीं पकाना, आधा सा पकाना है। एक दो मिनट हमें इसे भूनना है इसके साथ। इसको हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे, जार में निकाल लिए हैं। अब इसमें एक चम्मच हम नमक डाले हैं, नींबू का रस, एक नींबू लिए थे उसका रस डाले हैं, पाँच हरी मिर्च, दो चम्मच नारियल का बुरादा डालकर इसे हम पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। अच्छी तरह से चटनी पतला पीसेंगे। देखिए हमारा आधा मग पानी लगा है, चटनी हमारा तैयार हो चुका है चने दाल की। आप इसमें चाहे तो हरी मिर्च के बजाय आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो। मैं इसको निकाल रही हूँ दूसरे बर्तन में। अब चलिए इसका तड़का लगाते हैं। एक चम्मच तेल लिए हैं, इसमें सरसों का दाना डाल दिए और साथ में करी पत्ता भी डालकर इसे देखिए सरसों का दाना चटकने लगा है। अब हमारा तड़का तैयार है, इसमें हम बर्तन में डाल देंगे चटनी में। अब इसको मिलाएंगे। अब चलिए हम इडली बनाएंगे। उसके लिए हमें एक कटोरी चावल, आधी से थोड़ा सा कम उड़द का दाल, दोनों को हमने पानी में 5-6 घंटा पहले भिगो के रख लिए थे, ये भीग चुका है। इसको हम जार में डालकर पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए हम पेस्ट बना चुके हैं और आधा मग्गा से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा है और मुझे इसी टाइप का पेस्ट चाहिए। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
हम बिना स्टेंट्स के ही बना रहे हैं इडली, और एक चुटकी मतलब 1/4 हमें खावा सोडा डालना है, और दोनों सबको मिला देना है इसमें। इसको एक बर्तन में निकाल लिए हैं, और देखिए इतना छोटा छोटा कटोरी है मेरे पास, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल लगाकर सारे कटोरी में लगाएंगे और सब में हम बैटर भरते चले जाएंगे। आपके पास प्लेट है, कटोरा है, इसे भी इसमें भी डालकर आप बना सकते हो। अब देखिए हम पानी यहाँ रख दिए, गर्म हो गया है, इसके ऊपर छलनी डालेंगे, सब्जी छानने वाला छलनी होता है वो। इसमें हम सारे अपने इडली को डालकर इसे अच्छे तरह से ढक देंगे और 5-7 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा इडली तैयार हो चुका है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2-4 मिनट के बाद इसे इडली को निकालेंगे हम। तो देखिए हमारा इडली ठंडा हो गया है, अब आपको हम निकाल कर दिखाते हैं कि आप बिना स्टेंट के भी अच्छे तरीके से इडली बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए कितना स्पंजी बना है और टेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। सारे इडली को हम निकालेंगे कटोरी से, देखिए हमारा सांभर चटनी इडली तैयार है। अब इडली को हम तोड़ कर दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, इसे चटनी लगाकर अब मैं खा के बताती हूँ। वाओ बहुत टेस्टी बना है, देखिए कितना अच्छा बना है। अब मैं दूसरे बर्तन में इसे निकालूंगी, मैं चटनी ले रही हूँ, अब मैं सांभर निकाल रही हूँ और इसके साथ मैं इडली डालूँगी। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फिर मैं अगले वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू।